आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाने पर कि आप पार्टी मेगा पाटकर को गुजरात में सीएम उम्मीदवार बना सकती हैं। इस बयान पर अब अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मोदी के बाद सोनिया गांधी को पीएम बनाने जा रही है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर यह बात कहते हुए कहा कि ये मेरा आरोप है बीजेपी पर और आप में हिम्मत है तो उनसे इस पर सवाल करें। भाजपा के नेताओं का कहना है कि गुजरात और नर्मदा विरोधी मेगा पाटकर को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये पत्रकार की ओर से ये सवाल पूछने पर केजरीवाल ने कहा कि मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद भाजपा वाले सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रही हैं। इस पर उनसे पूछना क्या कहेंगे वो, मेरे प्रश्न का पूछना उनसे थोड़ी हिम्मत करना आप, मैं जानता हूँ डर लगेगा आपको। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछना कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आप मोदी जी के बाद सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाने जा रही हैं, उनका इस पर क्या कहना है। फिलहाल गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष में सियासी हवा को लाने में लगे हुए हैं। खैर देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात की जनता का कितना सपोर्ट मिल पाता है।